हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज बनाने वाले हैं सोया चंक्स फ्राई। तो चलिए इसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सोया चंक्स फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए सोया चंक्स, बेसन, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, दही और ऑयल। पहले एक सॉस पैन में पानी गरम कर लिए हैं। इसमें डालेंगे अभी नमक, फिर इसमें ये सोया चंक्स को डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, सोया चंक्स बॉईल हो चुके हैं। अब गैस बंद कर लेंगे और इसमें से पानी ड्रेन कर लेंगे। सोया चंक्स से पानी ड्रेन कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी, फिर इसे निचोड़ के एक दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से निचोड़ के एक बॉल में निकाल लेंगे। सारे सोया चंक्स निचोड़ लिए हैं, इसमें अब डालेंगे ये दही, फिर बेसन, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, फिर ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं। इसमें ये सोया चंक्स को एक एक करके डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तीन से चार मिनट के बाद ये देखिए सोया चंक्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के बचे सोया चंक्स को भी फ्राई कर लेंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये सोया चंक्स फ्राई की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।